नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को तबियत बिगड़ने के बाद अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि उनकी हालत स्थिर है। इसके बाद पीएम मोदी अपनी मां से अस्पताल में मिले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हीराबेन मोदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी दिल्ली दौरे पर। इस दौरान उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और तिरुपति बालाजी की मूर्ति भेंट की। जम्मू कश्मीर के सिद्रा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को घेरा, जिनमें 4 आतंकी मारे गए। दहशतगर्दों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। कांग्रेस ने दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा के चूक आरोप लगाया है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव ने गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी में लिखा, दिल्ली पुलिस मुखदर्शक बनी रही और भीड़ को रोकने में नाकाम रही। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल उन लोगों को डराने धमकाने में किया जा रहा है जो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की सुसाइड केस को लेकर नया वीडियो सामने आया है। इसमें तुनिशा को खो एक्ट्रेस शीजान खान और प्रोडक्शन टीम का एक मेंबर तुनिशा को सुसाइड के बाद अस्पताल ले जाते हुए दिखे। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा मौत के मामले में आरोपी शीजान खान के पालघर के वाले पुलिस ने वसई कोर्ट में पेश किया। शीजान को कोर्ट ने 30 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के नासिक में निजी अस्पताल के वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर पर हमला किया। आरोपी ने सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाली धारदार वस्तु से हमला किया जिससे डॉक्टर जख्मी हो गई। पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। चीन में कोरोना की बेहद खराब स्थिति और दुनिया भर में बढ़ रहे मामले को देखते हुए भारत अलर्ट मोड पर है। दुबई से आए 2 यात्री चेन्नई एयरपोर्ट पर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों पुदुकोट्टई के अलंगुडी के रहने वाले हैं। उत्तराखंड से नेपाल तक 27 से 28 दिसंबर को 2.5 घंटे में एक के बाद एक 4 झटके महसूस हुए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से नेपाल तक भूकंप आया। दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकल गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को पाली और उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे उदयपुर में अंचल स्तरीय आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रणकपुर में सावरी समाज के भी मिलन समारोह में भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर एआईसीसी मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बहुत लंबा सफर तय कर यहां तक पहुंची है। उन्होंने कहा है कि हमारे बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नीति और सिद्धांत की लड़ाई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्थापना दिवस के मौके पर कहा है कि कांग्रेस ने देश के मान सम्मान और आजादी की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि धर्म से ऊपर उठकर देश के मान और सम्मान के लिए आगे बढ़े। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में मिले सुझाव बजट में दिखाई देंगे। साथ ही कहा कि आने वाले वक्त में विधि प्रबंधन मजबूत करेंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से कहा कि हमें पद के लिए काम नहीं करना चाहिए, हम काम में विश्वास करते हैं, प्रचार में नहीं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में अच्छा काम किया। कांग्रेस के अधिवेशन में पीसीसी सचिव गोविंद डोटासरा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की और पूरे देश में सफल रही। उन्होंने कहा कि महीने की हर 28 तारीख को कांग्रेस नेता मंत्री और विधायक करीब 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान का जोरदार स्वागत हुआ। बीकानेर जाते समय सीएम मान का काफिला सूरतगढ़ में रुका। कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आरपीएससी पेपर लीक मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सरन से जुड़े लोगों पर छापेमारी की। पुलिस ने भूपेंद्र की प्रेमिका और पति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर में आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया और नगर माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
जयपुर के कोटपुतले में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हेड कांस्टेबल को 7,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। घुसखोरी केस से नाम हटाने के बदले मांगे रिश्वत। भरतपुर में नगर निगम एएन से मारपीट मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। नगर निगम कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान नगर निगम कर्मचारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। खाजूवाला में बीएसएफ ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की और 2 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करोड़ में बताई जा रही है। बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन डाली गई। जलौर के आहोर में रॉयल्टी कर्मियों द्वारा युवक पर मारपीट मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ग्रामीणों के साथ आहोर पुलिस थाने में धरने पर बैठ गए हैं। जलौर एसपी के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।